This story is from times when Sri Guru Gobind Singh Ji stood up to fight against injustice by establishing the Sikh Panth. The roar of these lions echoed all over as Guru Sahib fought selflessly for truth, sacrificing everything he had, even his four sons. Chak Nanaki, Sri Anandpur Sahib, was glowing with light. जुझार? देखो, इसने मेरे हाथ पे काटा। आपने मेरा कान क्यों मरोड़ा? तूने मिर्चों वाले हाथ मेरी आँखों में क्यों लगाए? हाँ बीजी, देखो इसकी आँखों से कैसे पानी निकल रहा है। फतेह, गलती हो गई बीजी। फिर तो इस गलती की सजा मिलेगी। अब हम इसकी आँखों से पानी निकालेंगे, इसे हंसा हंसा के। But these happy times were short-lived. Under a peace treaty, Guru Sahib left the fort of Sri Anandpur on the unfateful night of the 20th of December. लेकिन खान साहब, कस्में? सारी कस्में तोड़ दो। ये जैसे ही कीरतपुर पार करें, पीछे से हमला बोल दो। जो हुकुम गुरु पिता, इन दगाबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डर तो नहीं लग रहा मेरे नन्हे शेरों? वाहेगुरु हमारे साथ है, तभी तो हमें डर नहीं लगता, ठीक है ना? हाँ पुत्र। ना मेरा जीत है, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया अगर जीता नहीं आऊंगा। गुरु का बेटा है ये। इस घड़ी को 10 लाख मुगल फौज ने घेर लिया है। 42 के सामने 10 लाख? सिंगों के जोर से कितना डरती है मुगल फौज। इन काफिरों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। सौ लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं।